हाँ जी दोस्तों, भोग पै गया, हार गई इंडिया। 3 मैच की सीरीज जो है वो 2-0 से हार गई है। वो भी ये शुक्र करो कि पहला मैच जो है वो टाई हो गया था, इसकी वजह से 3-0 से नहीं हारे, पूरा क्लीन स्वीप नहीं हुआ, बच गए उससे। भैया इतना बुरा, वो भी श्रीलंका टीम के सामने कौन खेलता है यार? और तुम्हारे सारे सुपरस्टार इसमें मौजूद हैं, सिर्फ एक नहीं है। वो कौन नहीं है? एक बुमराह। अदरवाइज चाहे आप केएल राहुल बोलो, ऋषभ पंत ठीक है शुरू के 2 मैच में नहीं खेला, लेकिन इसमें खेला तो क्या क्या ही कर पाया। रोहित शर्मा इसमें है, विराट कोहली इसमें है, केएल राहुल इसमें है, श्रेयस अय्यर इसमें है। फुल फ्लेजिड बैटिंग टीम है आपके पास, बॉलिंग टीम भी आपके पास लगभग लगभग वही है सिवाय बुमराह के। और आपका कितना बुरा हाल हुआ है सिर्फ एक बुमराह के ना होने से, आप देख सकते हैं। इतनी बुरी हार, इतनी बुरी हार, लगभग 3ों ही मैचों में। आप मान लीजिए पहले मैच में तो आप, जैसे आपको पता ही है, आखिरी की 2 बॉलों पे जो है इंडिया ने 2 विकेटें खोकर जीता जिताया मैच जो है वो अपने आप को हरवा दिया था। 230 रन श्रीलंका ने मारे थे, 230 पे ही इंडिया ऑल आउट हो गई। हर्षदीप सिंह जो लास्ट बैट्समैन आए थे वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तकरीबन 16 बॉलें बची थी, 17 बॉलें बची थी जब वो आए थे, और मात्र 1 रन चाहिए था इंडिया को जीतने के लिए। और वो महाराज पहली बॉल पे आते ही जो है छक्का उड़ाने की उन्होंने कोशिश करी और वो LBW आउट हो गए। तो इस तरीके से पहला मैच जो है वो टाई हो गया था। दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका ने जो है वो थोड़ा अच्छा खेला, उन्होंने तकरीबन तकरीबन जो है वो 240 रन मारे थे 9 विकेट के नुकसान पर। इंडिया जो है वो 208 रन बनाकर ही जो है वो ऑल आउट हो गई फिर से। 3ों मैचेस में आप देखिए, 3ों मैचेस में इंडिया के जो है वो 10-10 विकेट गिरे हैं। बहुत बुरी बैटिंग उनकी स्पेशली बहुत बुरी रही है, बॉलिंग में मानूंगा। अब हाँ, आप लोग डिफेंड करने के लिए कह सकते हैं कि भैया बाद में स्पिनिंग पिच हो जाती है, श्रीलंका ने सारे टॉस जीते और उन्होंने पहले जो है वो बैटिंग चुनी, वो अच्छा स्कोर कर गए, बाद में पिच जो है वो स्पिनिंग हो गई थी, इसकी वजह से जो है हम लोग हमारे जो बैट्समैन है वो ढंग से खेल नहीं पाए। तो भैया एक बात बताओ, इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, कोई साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो है नहीं, इंग्लैंड के प्लेयर्स तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो है नहीं जिनको स्पिन खेलनी नहीं आती। और वनडे में 240 का टारगेट, या आज का ही टारगेट ले लो 238 का, मतलब 239 का, कोई बहुत बड़ा टारगेट तो होता नहीं है, है कि नहीं है? आज का माफ कीजिए, आज का 249 का टारगेट था, 241 का, 249 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है। 230 का टारगेट चेज आपने जो है ऑलमोस्ट कर ही लिया था जब आपका जो है वो मैच टाई हुआ है। तो बाकी के 2 मैचेस में ऐसा क्या हो गया कि आप स्कोर के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे? क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो अपने आप को। इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बैट्समैन आर सपोज टू प्ले स्पिन बेटर, बट वो अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो T20 जीतने का जो खुमार है ना, वो उनके सर पे चढ़ा हुआ है, और वो T20 की जो है वो गेम समझ के इसको खेल रहे हैं कि भैया 160, 170, 200 तक हमने जाना है, उससे ऊपर की हमारी सोच ही नहीं है। रोहित शर्मा को देख लीजिए, वो आते हैं तेज स्टार्ट देते हैं इंडिया को, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अपनी लैग खो देते हैं और कैच आउट या LBW हो जाते हैं। वो जो उनकी वर्ल्ड कप वाली सोच चलती आ रही है, जो वर्ल्ड कप हारी थी इंडिया फाइनल में, कि आओ तेज शुरुआत करो और उसके बाद जो है आउट हो जाओ। भैया जब आपको तेज शुरुआत मिल गई है तो आप टिक कर अपना 100 पूरा क्यों नहीं करते? आप मैच आखिरी तक क्यों नहीं लेके जाते हो यार? आपकी क्यों वही सोच है कि मुझे तेज जो है वो 30, 40, 50, 60 रन ही बनाने हैं? आप 60 रन से ज्यादा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे को मैच खत्म करना है? विराट कोहली भी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पार्क में टहलने आए हों, सीरियसनेस दिख ही नहीं रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ चल ठीक है, एक मैच खेलने के लिए मैच खेल रहे हैं, मन है ही नहीं उनका वहां पे। आप उनकी खुद बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं या जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो मतलब मैच को सीरियसली ले रहे हैं कि हाँ इट इज जस्ट एन अनदर मैच, जीते जीते हारे हारे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस बाकी साथ में केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, वो भी ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि भैया हम नहीं जिताएंगे तो कोई और जिता देगा, और यही हार का जो है सबसे बड़ा कारण है।
ये तो शुक्र करिए कि आपके जो थोड़े जो मिडल लोअर मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं वो थोड़े से जम रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, थोड़े से शिवम दुबे हो गए, वो थोड़े बहुत चल रहे हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आपकी इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती। आज ही देख लीजिए ना, 82 for 6 हो गए थे, 37 रन पर पहली विकेट गिरी थी और इंडिया जो है वो 82 for 6 हो गई और अब जो है 138 पे ऑल आउट हो गई है। यानी कि 101 रन पे इंडिया की दसों विकेटें गिर गई हैं। और कंट्रीब्यूशन देखिए किसकी तरफ से आया है, रोहित शर्मा वही 20 बॉलों में 35 रन, 30 40 50 60। 60 हो गए तो भैया बहुत हो गए, अपना काम हो गया। मैच को आखिरी तक लेकर नहीं जाना है इन्होंने, कैप्टेंसी नहीं निभानी है इन्होंने, मैच नहीं जिताना है इन्होंने। इनका काम इन्होंने सोच रखा है 30 से 60 के बीच में रन बनाऊंगा, तेज बनाऊंगा, बस मेरा काम खत्म है, उसके बाद मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा, जीतो हारो जो मर्जी करो। शुभमन गिल ने 6 रन मारे हैं 14 बॉलों में, विराट कोहली ने 18 बॉलों में 20 रन, ऋषभ पंत 9 बॉलों में 6 रन। चलिए उनको एक एक्सक्यूज देते हैं कि उनका पहला ही मैच था, शुरू के 2 मैचों में वो खेले नहीं थे, क्या करें, ठीक है चलिए उनको एक्सक्यूज दे देते हैं। श्रेयस अय्यर 7 बॉलों में 8 रन, अक्षर पटेल 7 बॉलों में 2 रन। वैसे वो फिर भी ठीक रहे हैं अक्षर पटेल, उन्होंने विकेटें भी ली हैं, लोअर मिडल ऑर्डर चला है, इसी वजह से थोड़ा सा इंडिया की बेटर पोजीशन रही है, हालांकि मैच फिर भी हार गए हैं। रियान पराग ये इस सीरीज के जो है फाइंडर रहे हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से तीनों मैचेस में जो है वो बॉलिंग करी है और तकरीबन आई थिंक, जहाँ अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो इन्होंने 8 या 9 विकेटें ली हैं इन पूरे 3 मैचेस में। बैटिंग भी इन्होंने ठीक ठाक करी है, आज भी इन्होंने जो है वो 15 रन मारे हैं 13 बॉलों में, और आई थिंक सेकेंड वनडे में भी इन्होंने जो है 3 या 4 विकेटें ली थी। रियान पराग इस सीरीज के जो है वो फाइंड रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। शिवम दुबे 14 बॉलों में 9 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने नीचे आके थोड़ा सा बैटिंग करने की कोशिश करी, 25 बॉलों में 30 रन मारे हैं। कुलदीप यादव ने 29 बॉलों में 6 रन, उनसे आप ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं वैसे, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं भी नहीं, खैर तो उनसे आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो इंडिया के लिए जो है वो अच्छा करेंगे, खेल पाएंगे अच्छा। तो कोई खास कंट्रीब्यूशन दोस्तों रहा नहीं है इंडिया का। इवन अगर आप बॉलर्स का भी देखें, बॉलर्स की भी जो है वो वही हालत रही है। उन्होंने श्रीलंका को पहले तो जो है वो आउट करने की जल्दी कोशिश करी है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए हैं। श्रीलंका का भी ऐसा रहा है कि वो जैसे 120 पे 6 हो गए, 150 पे 7 हो गए, लेकिन फिर भी वो उनकी टीम जो है उनको खींच कर ले गई है, 248 रन, 230 रन, आज जो है 240 रन मारे उन्होंने, तो वो माफ कीजिएगा, आज 248 रन मारे उन्होंने, 240 पिछले मैच में मारे थे। तो उनकी जो है लोअर मिडल ऑर्डर ने फिर भी अपना काम किया है, उन्होंने दिखाया है कि हाँ हम लोग बैटिंग कर सकते हैं। कुछ इंडिया की तरफ से भी ढिलाई रही, जो एक वो बुमराह फैक्टर जो होता है ना, कि वो आखिरी के जो प्लेयर्स होते हैं उनको वो टिकने नहीं देते हैं, उनको वो जल्दी आउट कर लेते हैं, वो चीज़ अर्शदीप में या सिराज में कहीं नज़र नहीं आई। इवन इंडिया के स्पिनर्स भी जो हैं वो भी कोई खास कमाल कर नहीं पाए लोअर मिडल ऑर्डर्स को लेके। रियान पराग ने हाँ बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, बहुत अच्छा उनका पहला मैच तो बहुत ही अच्छा गया था, और आज भी आके जो है जब पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी, आई थिंक हाँ अविष्का फर्नांडो की और कुशाल मेंडिस की पार्टनरशिप चल रही थी, तो रियान पराग ने आके विकेट ली और एक ही नहीं 3 3 विकेटें ली हैं। तो उन्होंने ज़रूर अच्छी बॉलिंग करी है, जैसे कि मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, ही इज़ दी फाइंड ऑफ दिस सीरीज फॉर इंडिया। बहुत ही अच्छा खेले हैं, हालांकि उनको अभी अपनी बॉलिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तो खैर मैच होंगे नहीं, यूएई में वो चल सकते हैं, बट जहाँ पे आपको थोड़ी सी सीमिंग पिचेस मिलेंगी या जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं मिलेंगी, वहाँ पे थोड़ा सा उनको मुश्किल आ सकती है, तो वो उनको अपनी बॉलिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी उसके लिए। बट रियली मैं दोस्तों आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय इंडियाज परफॉर्मेंस। मतलब एक बुमराह के ना होने से जो है आप इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो आप टीम नहीं हो, आप इंडिविजुअली ही खेल रहे हो। रियली में आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस इंडियन टीम। मेरा तो मतलब ऐसा मानना, मेरे को इतनी गुस्सा आ रहा है इस टीम को लेकर कि मुझे मतलब मैं इस वक्त ये अपील करना चाहूँगा बीसीसीआई से, स्पेशली गौतम गंभीर से,
कि भैया आज ही जो है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को या तो तगड़ी वार्निंग दी जाए कि टेक वनडे सीरियसली और यू विल बी आउट ऑफ वनडे ऑल्सो, जैसा कि उनको T20 से तो आउट कर ही दिया गया है। वो था 37 एंड 36 ईयर ओल्ड, तो रिटायरमेंट उनको अगर देनी है एटलीस्ट एक वार्निंग उनको जरूर देनी चाहिए कि भैया या तो सुधर जाओ, अपनी गेम सुधार लो, टीम को जिताओ, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ दिस ODI टीम। आप टेस्ट खेलो, टेस्ट के लायक अभी आप हो, टेस्ट में आप 1-2 साल अपने, 3 साल दो, 4 साल दो, ODI और मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट से यू शुड बी आउट। ये क्लियर मैसेज दे देना चाहिए आज गौतम गंभीर को। इसके लिए वो जाने भी जाते हैं, हो सकता है कल के अखबार में या थोड़ी देर बाद ट्विटर पे आपको ये न्यूज़ मिल जाए कि गौतम गंभीर ने लताड़ा है सभी सीनियर प्लेयर्स को और क्लियर कर दिया है कि भैया अगर अगली सीरीज में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यू विल बी आउट ऑफ ODI टीम। मुझे उम्मीद है गौतम गंभीर से कि वो ऐसा कहेंगे ही कहेंगे। रियली मैं टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस इंडियन परफॉर्मेंस। ओलंपिक में तो ज़्यादा कुछ खास कर ही नहीं रहे हैं। मैंने ओलंपिक की भी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि चौथे नंबर पर आकर जो है रह गए हैं। अगर वो 5 प्लेयर तीसरे नंबर पर फिनिश कर जाते तो इंडिया के आज 8 मेडल होते, भले ही आठों के आठों ब्रॉन्ज होते, लेकिन 8 इज मच बेटर देन 3 फिगर। तो रैली में दोस्तों ओलंपिक्स में भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है ओलंपिक्स के लिए भी, क्रिकेट के लिए ठीक है सरकार की तरफ से पैसा नहीं आता है, BCCI के पास खुद ही इतना रेवेन्यू है कि वो उनको सरकार के पैसों की ज़रूरत नहीं है। बट यू हैव टू बी सीरियस यार, आप श्रीलंका जैसी टीम से नहीं हार सकते यार। आई थिंक वो 8th या 9th नंबर पर है ODI में रैंकिंग में और आप शायद 2nd या 3rd नंबर पर हैं। टॉप पर भी हो तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं टॉप पे मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ अगर है अभी तो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस दिस एफर्ट ऑफ दिस इंडियन टीम, स्पेशली द बैटिंग टीम। बॉलिंग के भी थे डिसअपॉइंटमेंट बट रैली में हार्ट ब्रोकन, नथिंग टू से। चलिए दोस्तों, खैर ये सब बातें तो होती ही रहेंगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे लिख कर बता सकते हैं कि आपको कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इंडिया की इस हार से। जल्दी ही फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ दोस्तों, जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।